व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो घर के पास वाली मार्केट कल यूं ही घूमते हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गोलगप्पे खाते हुए मेरे दिमाग में आते हैं तुम सब लोगों के कमेंट्स की सोनिया दी हम भी सरोजिनी नगर मार्केट या फिर ऐसे थ्रिफ्ट मार्केट में जाते हैं कपड़े शॉपिंग वगैरह करने, लेकिन आपकी तरह हमें सुंदर वाले पीसेज नहीं मिल पाते। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम नॉर्मल लुकिंग थ्रिफ्ट क्लोथ्स को घर पर लेकर आए एंड अपना जुगाड़ हैक एंड तड़का लगा के उसको आज का कुछ ट्रेंडी पीस बनाने की कोशिश करते हैं एंड उसको थोड़ा और यू नो एक्सपेंसिव लुकिंग भी बनाते हैं। देखते हैं कि आज हमसे क्या हो पाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सोना की प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। मैं सोच रही हूँ कि ना हम स्टार्ट थोड़ा सिंपल से करते हैं। तो मेरे को वैसे तो इतना प्रिटी लुकिंग यहाँ पे से डिटेलिंग देखो सामने, ये मेरे को 100 रुपए का ऐसे स्वेटर मिल गया स्टॉल पे। तो आओ इसमें कुछ जान लाते हैं, इसको थोड़ा ट्रेंडी बनाते हैं। ओके, तो मैं सोच रही हूँ इसकी बाजुएं काट दी जाए। ऑल्सो जब भी हम सिजर्स का यूज कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे साथ एक एडल्ट सुपरविजन हो ताकि हमें चोट ना लगे, अगर लगे तो इन पे नाम आ जाए। वैसे थ्रिफ्ट पीसेस ना ऑलरेडी इतने यूनिक होते हैं कि मतलब जैसे मैंने ये स्वेटर खरीदा है तो ऑब्वियसली मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि किसी और के पास भी सेम स्वेटर होगा, बट हम DIY करके तो सेम लग सकते हैं। ये थोड़ा मोटा है ना तो बार बार ऐसे करना पड़ा, थक गए। बट मेरे को लग रहा है कि हमने इस फैब्रिक सीजर से और 10 तरीके की चीज़ें काट ली हैं कि इसकी धारी खत्म हो गई है। ये रहा हमारा एक हाथ, अब ऐसे ही हमें दूसरा हाथ भी निकालना है। तुम्हें लग रहा हो कि सोनिया ये तो इतना इजी सा DIY ये क्या ही है, तुम लाइक स्लीव क्यों काट रहे हो? अरे रुको अभी मैं दिखाती हूँ। तो आई केम अक्रॉस दिस स्वेटर जो कि इजीली 2000 रुपए का बिक रहा है मार्केट में ऑनलाइन। आई एम लाइक ये तो मैं 100 रुपए के स्वेटर से घर पे ही कर सकती हूँ, स्लीव ही तो काटनी है। So that's what we are doing। अगर शॉपकीपर भैया मेरी वीडियो देख रहा होगा कहेगा इसने मेरे स्वेटर का क्या ही हाल कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है हाफ स्वेटर। अब स्लीव्स, तो वैसे ये स्लीव्स ऐसे थे बट मैं चाहती हूँ कि ये गिरे ना तो मैं इसको ऐसे उल्टा पहनने वाली हूँ। पता है ये सेम चीज़ हम जीन्स के साथ भी कर सकते हैं, आजकल वो वाली चीज़ भी बहुत ही पॉपुलर हो रही है और तुम हाथों का भी बना सकते हो। एंड आई एम रेडी। मेरा 2000 रुपये का टॉप है गाइस, तुम क्या कह रहे हो 100 रुपये का? ये ऐसे कैसे? अभी दिखाऊं मैं ऑनलाइन? ओ माय गॉड। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि तुम्हें एक्चुअल में ये स्वेटर के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा कोई पुराना स्वेटर रखा हो ना, आराम से उसको रिवैम्प कर लो, DIY कर लो, पुराने का नया बना लो, एक्सपेंसिव लुकिंग बना लो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगेन कल मार्केट में घूमते घूमते आई केम अक्रॉस दिस जीन्स। वैसे तो ये बहुत ही प्लेन लुकिंग सी जीन्स है, तुम अपनी नॉर्मल घर की जीन्स भी यूज कर सकते हो, पुरानी या फिर लूज हो गई हो। तुम्हें नेसेसरीली थ्रिफ्ट मार्केट में जबरदस्ती जाके नई जीन्स लाने की जरूरत नहीं है। काफी टाइम से मैं मार्केट में वो वाली जीन्स नहीं आती जिन पे ऐसे ड्रॉपलेट्स बने होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्टिक सा डिजाइन बना होता है मे बी पॉकेट के पास या फिर सामने या फिर साइड में। आई वाज लाइक यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड फिर मैं मार्केट से ये सामान उठा के ले आई। तो ये मेरी 15 रुपए की फैब्रिक ग्लू है एंड ये मेरे को 25 ईच के ऐसे स्टिकर्स मिले हैं। तो ये ऐसा कुछ पर्ल वाला है एंड ये हार्ट वाला है। तो मैंने सोचा कि इसे चिपका के कुछ कर सकते हैं। ऑल्सो ये जीन्स मेरे को सिर्फ 250 रुपए की पड़ी है। तो इससे पहले एक ऐसे चिपका के देखते हैं जीन्स पे कि चिपकेगी या नहीं। ये रही हमारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो प्रिटी लग रहा है, इयररिंग भी बना सकते हैं। ओके, इसे साइड में चिपका के देखते हैं, ऐसे सीधी लाइन पे चिपक गया। ये हम बाद में कभी यूज कर लेंगे, इस बार मेरी काम नहीं आया, मेरे 15 रुपए वेस्ट नहीं जाने दूंगी मैं। तो ये सही लग रहा है, ऐसे सीधा प्रिटी लग रहा है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि हम इसको छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं, इसको कट भी कर सकते हैं। अब मेरे को ये वाली स्ट्रिंग थोड़ी सी और लंबी चाहिए, हम इसको कट कर सकते हैं और ये लंबी हो गई। मेरे को मजा आ रहा है। जो ये बची है ना हम इसको वेस्ट नहीं करने वाले, इसको नेक्स्ट स्ट्रिंग बना देते हैं, नेक्स्ट लाइन बना देते हैं। ये आवाज़ कितनी अच्छी है। इतना फोकस अगर मैं मैथ्स में कर लेती तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाती, मतलब मैं कभी फेल नहीं हुई बट अच्छे नंबर आ जाते। ऐसे ही करते करते भाई साहब मैं तो पूरी जीन्स ही ऐसे स्पार्कली बना दूंगी। तो मज़ा आ रहा है, ऐसे फन एक्चुअली। मैं इसको ना बिल्कुल भी इक्वल साइजिंग नहीं दे रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो थोड़ा ऊपर नीचे बनाएंगे ताकि ऐसे रेन लगे, थोड़ा सा मिसमैच हो, कुछ भी हमें सफाई से करने की जरूरत नहीं है। दैट्स द होल पार्ट, यही तो फन है। अरे अरे चिपक गया। फाइनली ये हो गया है हमारा पैटर्न, लेकिन अभी हमारे पास हार्ट्स भी है। यस, इस हार्ट पे ना वैसे शेल्स बने हुए हैं तो पूरी ऐसे बीच वाइब भी दे रहा है। ये किस इस तरीके से दिख रहा है, क्या ये दिख पा रहा है? भाई साहब क्या ही मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कितनी एक्सपेंसिव कलाकारी कर दी है। बट मेरे को एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि अगर मैं इस जीन्स को वॉश करूँगी तो शायद ये चीज़ उतर सकती है। तो इसको थोड़ा और परमानेंट बनाने के लिए थैंक्स प्लीज़ यूज़ फैब्रिक ग्लू ताकि अच्छे से चिपक जाए। अभी तो मैंने ऐसे जल्दबाजी में, खुशी मेरे को इतनी हो रही थी कि मैंने जल्दी कर दिया, बट एक बार ट्राई करते हैं। मेरे को तो लग रहा है मेरे पैसे वसूल हो गए। ऑल्सो मेरे को ये भी लग रहा है कि मैं इसे कभी नहीं धोने वाली हूँ, ये कितना ज़्यादा सही लग रहा है। एंड तुम सिर्फ यहाँ पे नहीं, अलग अलग जगह भी पैटर्न बना सकते हो, हाउ एवर यू लाइक इट। मतलब तुमने घुटने पे बना लिया, साइडों में बना लिया, नीचे से बना लिया कि नीचे से ऊपर आ रहे हैं फ्लेयर्स, ऐसे जरूरी नहीं है डाउन वाले बनाना है। गो क्रिएटिव विद दिस। एंड मैं ये कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा ना फैब्रिक ग्लू भी लगा लेना ताकि तुम्हारे जितने भी पैसे लग रहे हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए एंड लंबा चल पाए, क्योंकि सुंदर तो लग रहा है ना ये। नेक्स्ट मेरे को 200 रुपये का ये इतना ऐसे ओवर साइज सा टॉप मिला है। मेरे को तो ये स्कर्ट की तरह आ रहा था, मेरे पे थोड़ा लंबा आ रहा है अभी, बट इसमें मेरे को ना प्रिंट और जो इसे सिंचिंग दे रखी है ना ये बहुत ज़्यादा कूल लगी। तो वैसे मन्नी को थोड़ा सा क्रेजी आइडिया आया कि इसका हम एक पेप्लम टॉप बना सकते हैं। हाँ। और ये रहा मन्नी। तो जब मनी ने आइडिया दिया कि इसका पेप्लम टॉप बन सकता है तो मुझे लगा कि हम बना सकते हैं विद जस्ट रिबन एंड अ पेयर ऑफ सिजर्स। ओके, काटते हैं इसको। कटिंग रफ हो सकती है, अगेन नथिंग हैज टू बी क्लीन, दैट्स द फन पार्ट। ओह, ये एक अलग से ब्लाउज टॉप बन गया। ये एज इट इज भी कितना प्रिटी लग। तो ये रहा हमारा रिबन। सो आई वाज थिंकिंग कि स्टिचिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो तो हम कोई भी, जैसे घर पे नाड़ा होता है या फिर अगर तुम्हारे पास रिबन भी है उसको हम अपने चेस्ट एरिया पे बांध सकते हैं जहाँ पे भी तुम्हें यू नो अपना टॉप चाहिए। देखो, या तो तुम रिबन ले सकते हो, ये थोड़ा टाइट सा लग रहा है, अदरवाइज अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे सिक्योर सा कैमी टॉप है ना तो तुम उसके अंदर भी टकिंग वगैरह कर सकते हो, बट ऑब्वियसली मेरे को रिबन थोड़ा ज्यादा सिक्योर लग रहा है। ओके, ये रहा हमारा टॉप कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट ऑब्वियसली अभी ऐसे गिर सकता है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास रिबन नहीं है ना, अगर सिक्योर सा कोई कैमी टॉप है तो तुम उसके अंदर भी ऐसे टकिंग कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली अभी इन दोनों में कंपैरिजन करते हुए मेरे को ये रिबन ज़्यादा सिक्योर एंड यू नो अच्छे से होल्ड वाला लग रहा है, तो मैं रिबन पे जाना चाहूँगी एंड हम इस पर ऐसे टकिंग कर सकते हैं। दिस इज जस्ट टू सेव द स्टिचिंग वाला टाइम एंड एनर्जी। अदरवाइज अगर तुम्हें स्टिचिंग आती है घर पे, अगर तुम किसी से हेल्प ले सकते हो तो ऑब्वियसली जस्ट गो फॉर दैट, बट हम जुगाड़ करेंगे। फाइनली अब ये पूरा टक करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैंने नीचे भी स्कर्ट चेंज कर लिया ताकि यू नो थोड़ा सा जाए एंड ये लग ही नहीं रही कि पहले ये कोई लंबा सा ओवर साइज टॉप या फिर ड्रेस थी। ऐसा लग रहा है ये तो टॉप नॉर्मली मैंने ऑनलाइन मंगाया या फिर यू नो मार्केट से कहीं लिया। दिस इज सो क्रेजी एंड ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से ढीला है या फिर गिर जाएगा। इट्स प्रॉपरली सिक्योर्ड, बट ऑब्वियसली यू हैव दिस ऑप्शन या फिर यू कैन also go for stitching if you like that, but I just love it. मन्नी मस्त आइडिया, ये वर्क कर गया। लेकिन जो ये वाला टॉप बचा था मेरे को ये भी ट्राई करके देखना है, ये भी कूल लग रहा है। ऐसे सैटिन फैब्रिक में एक टॉप बन गया है मेरा। 200 रुपये में दो टॉप। हाय दोस्तों, अब मुझे भूख लग रही है, मेरी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रही है। एनीवेज, मेरे को इतना मस्त टॉप मिला। अगेन 200 रुपये में, इसका प्रिंट इतना ज़्यादा प्रिटी, समरी एंड ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए हैं ना, तो ऑब्वियसली अगर सोनिया को टॉप मिला तो वो टॉप की तरह तो पहनने नहीं वाली। तो आओ इस टॉप को स्कर्ट में कन्वर्ट करते हैं विद वेरी लेस एंड मिनिमल कटिंग, मतलब ईजी हो। तो जो ये स्ट्रैप्स का ऐसे इन्होंने ये बना रखा है ना हुक, हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं तो हमारे पास ये बड़ा सा स्ट्रैप आ गया है। येस, दैट्स व्हाट वी वांटेड। सिमिलर चीज हम यहाँ पे भी करते हैं। तो हमने अपना कार्यक्रम रोकते हुए थोड़ा सा और डिफरेंट डायरेक्शन में हम चले गए। यही होता है क्रिएटिव प्रोसेस में, बनाते कुछ और है बट करते करते प्रोसेस में कुछ और बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी व्हाइट टी शर्ट पहन ली ताकि थोड़ा सा कलर मैच हो पाए हमारी अब स्कर्ट जो हम बनाएंगे। लेकिन अब हम स्कर्ट नहीं बना रहे हैं। मैंने सोचा कि इतनी लंबी स्ट्रैप है, अगर मैं इसको ऐसे पहनूँ तो ये मेरी डंगरी बन गई है। एंड एक्चुअली में जो ये लेंथ है, जो मैं अपने नॉर्मल लेंथ की स्कर्ट्स पहनती हूँ, बिल्कुल उतनी ही सेम जा रही है। तो फॉर मी पर्सनली लेंथ परफेक्ट आ रही है, लेकिन यू कैन ऑल्सो चूज टू वेयर लेगिंग और समथिंग लॉन्ग इसके नीचे। ये एक नॉर्मल बेसिक सा टॉप था एंड बिल्कुल ही डिफरेंट लुक बन गया। ये फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बैक से कुछ ऐसा लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने अमेजोन, मिंत्रा, मतलब कहीं ऐसे ऑनलाइन कुछ मंगाया है। दिस इज सो प्रिटी एंड समर एप्रोप्रिएट है, मतलब तुम बीच वगैरह पे तो आराम से पहन सकते हो। नेक्स्ट मैंने इतनी मस्त स्कर्ट देखी। वैसे उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बेसिक प्लेन स्कर्ट थी जो कि मेरे पास भी है वॉर्डरोब में। आई गेस ऐसी सिंपल स्कर्ट तो ऑलमोस्ट लाइक होती है, इट्स लाइक अ बेसिक पीस, लेकिन उसमें ना ऐसे बो बने हुए थे। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जस्ट वो बोज की वजह से मैं एक नई स्कर्ट क्यों लूँ जबकि मेरे पास ऑलरेडी सिमिलर कुछ है। तो हम रिबन ले आए। येस, हम इसमें बोज बनाएंगे एंड ये मेरे को सिर्फ 5 रुपये का पड़ा है, इतना बड़ा रिबन। वो शॉपकीपर वाले भैया मेरे को ऐसे देख रहे थे, ये कौन सी इतनी बड़ी लड़की आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करने आई, कौन से स्कूल जा रही है। बीट्स ले रही थी मैं, रिबन ले रही थी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि इक्वल ना बोज काट लेते हैं ताकि ऐसे ऊपर नीचे छोटे बड़े हमारे बोज ना बने। कितने बोज बनाऊं मैं पूरी स्कर्ट भर दूं बोज से? 1 2 3 4 8। तब भी कितना सारा रिबन बच गया हमारा। इसका मस्त नेकलेस बनाएंगे बाद में। मन्नी टीचिंग मी हाउ टू मेक बोज। ये रहा मेरा छोटू सा बो, तब प्रिटी लग रहा है। अगर इसको हम ऐसे लगाएंगे बहुत छोटे बो बना रही हूँ मैं, मैंने थोड़ा ज्यादा ही छोटा रिबन काट लिया। फाइनली हमारे बोज रेडी हो गए हैं, 8 बो बनाए हैं एंड मैंने इनको ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है इस तरीके में कि ट्रायंगल्स बन जाए। इसके 2 तरीके हैं प्लेसमेंट करने के, या तो तुम स्टिच कर लो, छोटे छोटे से टाके लगा लो, एक एक टाके में ये सेट हो जाएंगे, या फिर इजी थिंग फॉर पीपल लाइक मी, फैब्रिक ग्लू। यस, लेकिन इसको अगर हम यूज करेंगे तो हमें 24 घंटे देने पड़ेंगे इसको सुखाने के लिए एंड एक हफ्ते तक हम इसे वॉश नहीं कर सकते, तो पहले चिपका लेते हैं। वॉश का तो इतना आई डोंट केयर, यू नो, सॉर्ट ऑफ लाइक मैं अपने खुद के पुराने कपड़ों को भी रिवैम्प कर रही हूँ, विच आई थिंक इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी मैं थ्रिफ्ट करने जाती हूँ ना कपड़े, तो मेरी हमेशा देखो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ना मेरे को साफ सुथरे कपड़े मिल जाए, थोड़ी अच्छी कंडीशन में हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे खुद के कपड़े हैं उनको भी मेरे को थोड़े अच्छे कंडीशन में रखने चाहिए कि अगर कल को मैं किसी को दूँ जिसको मे बी हेल्प हो इन कपड़ों की, मेरे से ज़्यादा नीड हो मे बी, तो उनको भी मैं अच्छी कंडीशन में प्रोवाइड कर पाऊँ, यू नो। तो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर हम अपने नॉर्मल पुराने रखे कपड़ों को भी यू नो रीयूज़ कर पाए, रीस्टाइल कर पाए, उन्हें रिवैम्प कर पाए, उन्हें एक नई जान दे पाए। आई रियली लव दैट आइडिया सो मच एंड वही करने की ट्राई कर रहे हैं हम अभी बो लगा के। बो कैन फिक्स एवरीथिंग। तो ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रही है, इट लुक्स सो क्यूट एंड यस, हमने काफी पैसे बचाए हैं, एक नई स्कर्ट ना खरीदते हुए हमने खुद ही DIY कर लिया। लेकिन ये अभी काफी गीला, लाइक पहनते हुए भी मेरा एक फ्लावर गिर गया था, मैंने तो जल्दबाजी में अभी पहन लिया क्योंकि मेरे को देखना था ये कैसे लग रहा है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू गिव इट एटलीस्ट एक दिन 24 आवर्स इसको अच्छे से सूखने के लिए। बट मैं तब भी सजेस्ट करूंगी कि तुम ना स्टिचिंग ही करवा लेना या फिर खुद से कर लेना, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर रहेगा, क्योंकि अदरवाइज तो भी गिर सकता है। बट ये कितना क्यूट लग रहा है, मेरे को लग रहा है मैं अपने सारे टॉप्स एंड स्कर्ट, जीन्स, पैंट सब पे बो बनाने वाली हूँ, बिकॉज अगेन बो कैन फिक्स एवरीथिंग एंड वो मेरे को हैप्पी भी कर रहा है, तो सर्टेनली आई लाइक इट सो मच। यार आज की वीडियो मेरी तो पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेरे को अलग ही मजा आता है यार पुराने कपड़ों का कुछ ऐसे तड़क भड़क करके नया बना दो, या फिर थ्रिफ्ट क्लोथिंग का कुछ ऐसे अलग सा निकाल दे। मेरे को लगता है कि ऐसी वीडियो से ना हमारा भी पर्सनल कनेक्शन बनता है। मैं अपने थॉट्स वगैरह एवरीथिंग आई कैन शेयर विद यू गाइस, हम ऐसे अलग लेवल पे कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब वो अलग ही लेवल ऑफ इंटीमेसी मेरे को लगती है। बट ऑब्वियसली तुम्हें मुझे बताना है कि आज की वीडियो में से तुम्हारा फेवरेट आउटफिट कौन सा था, या फिर तुम पर्सनली भी कौन सा हैक करना चूज करोगे, या फिर तुमने वाले हैक DIY खुद से भी कभी करे हैं क्या, मुझे सब बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं, बाय।